विधानसभा भिदनौर में चला पार्टी का सदस्यता अभियान। विभिन्न दलों को छोड़कर लोगों ने थामा आम आदमी का पार्टी का दामन। गांव गांव में पसंद किया जा रहा आम आदमी पार्टी का दिल्ली मॉडल। शुक्रवार को जनपद औरैया के विधानसभा बिदुना के सहार ब्लॉक अंतर्गत ग्राम पूर्वा पुराना व ग्राम धरकन में सदस्यता प्रभारी विधानसभा बिदुना पिंटू शर्मा के नेतृत्व में जोर शोर से सदस्यता अभियान चलाया गया। इस अभियान में आम आदमी पार्टी जिलाध्यक्ष सुमेंद्रपुर वाले उपस्थित जनसमूह को पार्टी की टोपियां पहनाकर पार्टी की प्राथमिक सदस्यता दिलाई। इस अवसर पर उन्होंने उपस्थित समुदाय को संबोधित करते हुए कहा कि आने वाले समय में आम आदमी पार्टी की सरकार उत्तर प्रदेश में बनेगी, तब उत्तर प्रदेश की जनता अपने आप को बदला हुआ महसूस करेगी और आम आदमी के वास्तविक दिन लौट आएंगे। इस अवसर पर विधानसभा सदस्यता प्रभारी श्री पिंटू शर्मा जी ने उपस्थित जन समुदाय को संबोधित किया। इस अवसर पर बिदुना विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर सुनील कुमार जाटव और बिल्लू यादव, महिला प्रकोष्ठ की विधानसभा बिदुना अध्यक्ष श्रीमती रीना संखवार जी, बिदुना विधानसभा सचिव शिवम शर्मा, मोहम्मद लतीफ, AYW के पदाधिकारी प्रदीप राजपूत, पूर्व जिला पंचायत प्रत्याशी रामविलास कोरी, राजेश शाह के देव प्रताप सिंह कोरी, रामजी शंखवार सहित काफी संख्या में महिलाओं पुरुषों ने पार्टी की सदस्यता ग्रहण की। विरुचि बिमल पांडे की रिपोर्ट। जिला अध्यक्ष जी, आप यहाँ आए हैं, क्या उद्देश्य है, क्या आपने संदेश दिया है की जनता को? सर्वप्रथम सभी पत्रकार बंधुओं को जय हिंद। आज मैं बिदुना विधानसभा की ग्राम पूर्वा पुराना में आया हूं और बहुत बड़ी संख्या में आज हमारे साथ पार्टी में लोगों ने सदस्यता ग्रहण की है, जिसका पूरा श्रेय हमारे विधानसभा सदस्यता प्रभारी माननीय पिंटू शर्मा जी को है, जिनकी अथक मेहनत से आज पूर्वा पुराना में बड़ी संख्या में हमारी माताओं बहनों ने और हमारे युवा सहयोगियों ने पार्टी की सदस्यता ग्रहण की है और पार्टी को जन जन तक पहुंचाने का संकल्प भी लिया है। इसी क्रम में मैंने पूर्वा पुराना निवासी भैया रामजी कोरी जी को विधानसभा बिदुना में SC/ST प्रकोष्ठ का विधानसभा अध्यक्ष नियुक्त किया है। आपने और आपके सहयोगियों ने ये भरपूर वादा किया है कि हम पार्टी की नीतियों को जन जन तक पहुँचाएंगे और तब तक हम लोग नहीं रुकेंगे, नहीं थकेंगे, जब तक माननीय संजय भैया को मुख्यमंत्री की गद्दी पे आसीन नहीं कर देते हैं।